तो कैसे आप सब, उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक न्यू प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल बहुत सारे शैम्पूज जो हैं मार्केट में आ चुके हैं, जो कि हमारे हेयर को कलर कर देते हैं, मतलब जिनको ग्रे हेयर का इशू होता है, वाइट हेयर का इशू होता है, या वैसे ही उन्होंने अपने हेयर को शाइनी करने के लिए, ग्लोसी दिखाने के लिए आजकल लोग जो हैं डिफरेंट हेयर कलर लगा रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो मार्केट में हेयर कलर हमें मिलते हैं, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें शेयर्स अवेलेबल भी होते हैं, लेकिन ये वाले जो शैम्पू हैं आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, जिससे हेयर स्किन एंड मोर हेयर एनर्जी का ये ब्रांड है। इंस्टाग्राम के ऊपर इनका पेज है जो आप लोगों को मिल जाएगा जब आप लोग सर्च करेंगे। तो इनकी मतलब वेबसाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं हेयर ऑयलिंग, फूड, हैंड एंड फीट के लिए, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इनकी वेबसाइट से अभी तक ये शैम्पू ही ट्राई किए हैं। ये मैंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने फादर के लिए जो है वो मंगवाए थे, क्योंकि हम उनके जो है ग्रे हेयर का इशू है, तो हर वक्त जो है वो हेयर कलरिंग करनी पड़ती है उनको। तो ये वाला जो हेयर कलर है इसको मैंने ट्राई करने के लिए मंगवाया था और मुझे पसंद आया, तो मैंने एक यूज़ किया, उसके बाद जो है इसको सेकेंड बॉटल भी परचेज़ की थी। तो ये वाला जो इंस्टेंट हेयर कलर शैम्पू है, अब इसकी मैं अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताऊं, तो वो कहते हैं ये ब्राउन हेयर कलर है, इसमें और भी हेयर कलर ब्लैक भी आता है, वो बिल्कुल जेट ब्लैक होता है, और डार्क ब्राउन जो है वो थोड़ी सी आपको नेचुरल शेड देता है। तो इसमें बायोटिन है, कैरेटिन भी है, कोलेजन भी है, कोई अमोनिया सल्फेट वगैरह इसमें शामिल नहीं। मतलब वो कहते हैं कि इसमें ऐसे ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे हेयर की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो ये हेयर को डैमेज नहीं करेंगे। जबकि दूसरे जो कलर्स होते हैं मार्केट में, उनमें अमोनिया सल्फेट इस तरह की बहुत सारे हाई केमिकल मौजूद होते हैं, जो कि जिसकी वजह से हमारे जो हेयर हैं, हेयर फॉल उसमें स्टार्ट हो जाता है और हेयर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला जो है 5-in-1 प्रोडक्ट है, मतलब इसमें आपको हेयर डाई भी मिलता है, ये शैम्पू एज अ शैम्पू भी वर्क करता है, ये हमारे हेयर को रिपेयर भी कर रहा है, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं इस तरह के शामिल किए गए हैं कि हमारे हेयर को रिपेयर करें, उनको नुकसान ना हो कोई हेयर का। तो हम उसके अलावा इसमें मतलब कंडीशनिंग इफ़ेक्ट्स भी हैं, हमारे हेयर को कंडीशन भी अच्छे से करते हैं उसके, और हेयर ग्रोथ में भी ये हेल्प करते हैं। अब इमीडिएट कलरिंग विद फास्टर ग्रोथ, मतलब इससे हेयर भी अच्छे होंगे, ग्रोथ भी अच्छी होगी, और ये हमारे हेयर को मतलब इमीडिएट कलर देगा, हमें कोई लगा के इसको एक घंटे के लिए बैठना नहीं पड़ेगा, बस इसका ये मकसद है। उसके अलावा बाकी इसके जो रिज़ल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं 2 बॉटल्स इस वक्त जो है वो यूज़ कर चुकी हूँ अपने फादर के जो है उनको हेयर को कलर के मैंने, और उनको मतलब रिज़ल्ट बिल्कुल वैसे ही थे, अच्छे रिज़ल्ट थे, कि हमारे जो हेयर हैं वो बिल्कुल मतलब कलर, जितने भी ग्रे हेयर है वो कवरेज उनकी बहुत अच्छे से हो जाती थी, और हमारे हेयर जो हैं वो मतलब रफ़ नहीं लग रहे होते थे कलर करने के बाद, एक उनमें शाइन आ जाती थी, ग्लोस आ जाता था, और हेयर काफ़ी अच्छे लगते थे, और कलर भी जो है वो मतलब दूसरा जो हेयर कलर है वो हमें 45 मिनट्स या एटलीस्ट 1 और जो उसे उसको देना पड़ता है ताकि हमारी ग्रे जो है वो अच्छे से हो जाए। लेकिन ये जो है अब जिनके बहुत थोड़ा बहुत इशू है ग्रे कवरेज का, तो वो तो 20-25 मिनट लगाएंगे तो उससे उनके हेयर की कवरेज जो है, ग्रे हेयर, वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि हमारे मदर फादर हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी जो है हेयर जो है उनका ग्रे कवरेज जो है वो ग्रे हेयर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनको अच्छी तरह से उनकी कवरेज हो उसके लिए हमें इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उस, और मैक्सिमम मैंने इसको आधा घंटा या 35 मिनट के लिए लगाया था अपने फादर के हेयर पर, तो उनके जो बाल हैं मतलब वो उससे अच्छे से उनकी ग्रे कवरेज बिल्कुल हो जाती थी। और इसको यूज़ करने के तरीका जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपने अपने बालों को जो है वेट करना है। दूसरे हम जो हेयर कलर हैं वो ड्राई हेयर पे अप्लाई करते हैं, ये वाला हमने लगाने से पहले बालों को अच्छे से वेट करना है, बिल्कुल ऐसे भी ना हो कि पानी जो है वो नीचे गिर रहा हो, इस तरह बाल नहीं होने चाहिए, बल्कि मतलब डैम हेयर होने चाहिए आप लोगों के। उसके ऊपर जब हम हेयर कलर ये अप्लाई करेंगे तो फिर ही इसके रिज़ल्ट आएंगे और ग्रे कवरेज होगी। अगर ड्राई आपके बाल होंगे और उसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे तो उसके वो रिज़ल्ट आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो इसके पीछे भी हम लोग देख लें तो सारे इसके बेनिफिट्स उन्होंने हमें बताए हुए हैं कि ये
फ्रिजनेस को रिमूव करता है, 100% इसकी ग्रे कवरेज है। इंग्रेडिएंट्स भी बता दिए गए हैं और इसके अलावा सारी इसकी मतलब ये हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है किस तरह से, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं, सब कुछ उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये इनकी वेबसाइट्स हैं, आप लोग इनके इंस्टाग्राम पर जाके इनके वेबसाइट के ऊपर सर्च कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं। 250 ml की ये बोतल है, ये मैन वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के ऊपर ये अप्लाई नहीं कर सकते। अब जब मेरे पास ये मुझे रिसीव हुआ तो इस तरह की इसका जो है वो लिड इस तरह से आता है और इसके आगे जो है इस तरह का नोज़ल अप्लाई किया हुआ होता है ताकि हमारे ये इसकी लीकेज ना होती रहे हेयर कलर की। अब इसके जो एक तरफ जब हम इसको पंप करते हैं तो एक तरफ से वाइट कलर का डिवेलपर निकलता है, एक तरफ से इसका ब्लैक कलर का कलर निकलता है। अब यहाँ पर इनके ये बिल्कुल एम्प्टी बॉटल्स हो चुकी हैं और ये भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इनको रखा हुआ है सिर्फ रिव्यू पर्पज़ के लिए, क्योंकि इनको मैं यूज़ कर चुकी हूँ और एक बोतल भी यूज़ की, दूसरी बोतल भी यूज़ की। अब जब मैंने इसको बाय किया था तो इसकी जो प्राइस थी वो 2500 के करीब इसकी प्राइस थी, लेकिन थोड़ी सी मतलब उस वक्त सेल चल रही थी तो डिस्काउंट हो गया था, मुझे 2000 तक जो है वो ये शैम्पू मिले थे। और जब इस बॉक्स के अंदर ये ग्लव्स भी आते हैं और ये ग्लव्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स हैं, अगर मैं आप लोगों को ये ओपन करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह के हैं, मतलब ये आम ग्लव्स नहीं, इन्होंने ये ग्लव्स भी दिए होते हैं इसके अंदर। तो मतलब मैं आप लोगों को इसकी प्राइस के बारे में बता रही थी कि इसकी जो प्राइस है वो अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही मैंने ये कुछ अर्से पहले ही मंगवाए थे, इनको यूज़ किए उसके बाद मैं आप लोगों से रिव्यू शेयर कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने इनकी प्राइस देखी तो वो 3465 रुपीज़ उन्होंने मैंशन की हुई है। हाँ, अगर सेल वगैरह लगती रहती है तो उस वक्त हमें थोड़े से ये लो प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन अगर मैं वैसे आप लोगों को बताऊँ तो ये टू मच जो है वो प्राइस हो जाती है इस शैम्पू के लिए, क्योंकि फिर इससे लो प्राइस में तो हमें काफ़ी, जैसे क्यूने का हेयर कलर है वो हमें इस वक्त 1500-1600 में मिल रहा है, और हाई एंड ब्रांड इगोरा का हेयर कलर, इस तरह के अच्छे अच्छे हेयर कलर हमें जो हैं वो इस रेंज में मिल जाते हैं 2000 तक। तो अगर हम लोगों इस पर ही इन्वेस्ट करना है सिर्फ इसलिए कि हम लोग इसको थोड़ा सा कम टाइम लगता है और वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, और उसमें अब अच्छी क्वालिटी के हेयर कलर यूज़ करते हैं तो उससे हेयर भी डैमेज नहीं होते, तो इसके ये वैसे अच्छे हैं, इनके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, लेकिन उस वक्त प्राइस अगर 2000 या 25 तक होती तो फिर भी समझ में आता था कि ये हमारे लिए अफोर्डेबल है, हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं लेना, लेकिन अब प्राइसेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, बिल्कुल इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं और इससे हेयर भी काफ़ी मतलब अच्छे इससे कवर हो जाते हैं, हेयर कवरेज भी अच्छी होती है इसमें। आप लोगों को पहले इसमें 2 वेरिएंट थे हेयर कलर के, अब इसमें 4 कलर आ चुके हैं जो थोड़े से लाइटर शेड में हैं, तो आप लोग अपने फैशन कलर भी उनको कहते हैं, वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो मतलब ये था मेरा इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको बाय करें, नहीं कर सकते तो इससे कम रेंज में हमें अच्छे हेयर कलर जो है वो मार्केट से मिल जाते हैं। इस तरह के हेयर कलर शैम्पू जो हैं वो और भी मतलब जो हैं ब्रांड जो हैं इस तरह के कंपनीज जो हैं वो निकाल रही हैं, वो थोड़ी इनसे लो प्राइस भी हैं, तो मैंने क्योंकि वो यूज़ नहीं किया, अगर मैंने फ्यूचर में ट्राई किया तो मैं ज़रूर उनका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये थे मेरी वीडियो और ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। तो हाँ, एक बात ये कि इस प्रोडक्ट को जब आप शैम्पू को अप्लाई करते हैं तो इससे अच्छे से झाग भी बनती है, मतलब जब हम हेयर को वॉश करते हैं तो झाग इतने अच्छे से बन जाते हैं कि आपको अलग से शैम्पू को यूज़ नहीं करना पड़ता, ये मैं बताना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको दोबारा आप लोगों को बता दूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।